अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। सो टुडे विल बी स्टडी फ्रॉम मैथमेटिक्स बुक 5 PTB एंड वी आर ऑन एक्सरसाइज 7। इसमें आपने जो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है वो दिया गया है कि आपने आपके पास जो प्रॉपर फ्रैक्शंस दी गई हैं उनको आपने परसेंटेज में कैसे चेंज करना है। तो परसेंटेज के लिए हम देखते हैं, जैसे 4/100 पहला क्वेश्चन दिया गया है, तो 1/100 जो होता है ना, 1/100 ये आपने याद रखना है, ये परसेंटेज का साइन ये इसके इक्वल होता है। तो उसको 4/100 को हम 1/100 परसेंटेज का साइन है, तो ये इसको सेपरेट करेंगे ना, 4 × 1/100, तो इसकी जगह पे आपने ये साइन परसेंटेज का डाल देना। 35/100 35%, 76/100 76%, ये सिमिलरिटी सारे मैंने आपके लिए पार्ट्स किए हैं, ठीक है जी। देन क्वेश्चन नंबर 2, उसमें कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। अब उसका ऑपोजिट है ये क्वेश्चन नंबर 1 का, उलट है। तो आपने देखना है कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। ये 13% हमें दिया गया है, तो इसको आपने वन, इस साइन का जो मतलब है 1/100 है, 13/100 आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं। 24% है, 24/100, या 24 × 1/100। तो फर्दर इसको आप कैंसिल भी करके 6/25 आंसर निकाल सकते हैं, जो कैंसिल होते हैं उनको आप कैंसिल कर सकते हैं। 46% है, तो 46/100 इसको आप फर्दर कैंसिल करेंगे 2 के टेबल से, तो ये 23/50 आ जाएगा। 68% है, 68/100 आ गया, तो इसको फर्दर हमने कैंसिल किया, तो आपके पास 17/25 आ जाएगा। इस तरह से एफ पार्ट है आपके पास 72% है, 72/100 इसको फर्दर हमने कैंसिल किया 2 के टेबल से, और ये 18/25 आ गया। 87% 87/100 ये कैंसिल नहीं होता क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो इसलिए आप इसको ऐसे लिखेंगे। 98% 98/100, तो इसको फर्दर आप 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे 49/50। 11% 11/100, 11 जो प्राइम नंबर है वो नहीं कैंसिल होगा। 10% 10/100, 10 के टेबल से हम करेंगे 10 × 10 × 100, तो 1/10 आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेजेस इनटू डेसिमल, ठीक है। इसको फर्दर आपने डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है। 15% है, तो 15/100, तो इसको आप 0.15 भी लिख सकते हैं, ये सीधा भी यहाँ से, तो इसको कैंसिल करके भी आप करेंगे तो फिर भी आपका आंसर 3/2 जो है, 3/2 को भी डिवाइड करेंगे तो आपके पास यही आएगा आंसर, 3/20 यही आंसर आपके पास आएगा। ओके, देन 26% 26/100 इज इक्वल टू 0.26, इसको आप सिंपल ऐसे, जो नहीं कैंसिल होते, जैसे 47 है वो प्राइम नंबर है वो नहीं कैंसिल होता, 26 कैंसिल होता है, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं 2 के टेबल से, ठीक है। लेकिन फिर भी आंसर सेम वही होगा, 13/50 को भी डिवाइड करेंगे तो 0.26 ही आएगा। ये बाकी मैंने किए हैं, आप इसको देख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट हैं जो, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज। फ्रैक्शंस आपको ये दी गई हैं, ये प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, ठीक है सारी, और इसको आपने परसेंटेज में चेंज करना। क्वेश्चन नंबर 4, 1/10 है, तो 1/10 को आपने मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, आप परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको इसको समझना होगा, परसेंटेज में जब फ्रैक्शंस को चेंज करना है मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे 100 के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्दर आप इसको 10% आ जाएगा आंसर, ये कैंसिल किया हुआ है। 2/5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्दर इसको कैंसिल करेंगे तो ये 40% आ जाएगा। 4/10 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कैंसिल किया, 0 कैंसिल हो गया, ये 10 रह गया, 10 × 4 = 40। डी पार्ट है आपका 9/25, 100 से मल्टीप्लाई किया, फर्दर इसको कैंसिल किया, 36% आ जाएगा, 25 × 1 = 25, 4 × 100। देन 3/20 है इज इक्वल टू 3/20 × 100, 3/20 × 100, 21 × 20 and 25 × 100, तो ये 15% आ जाएगा। 21/50 है, इसको फर्दर आपने परसेंटेज में चेंज करना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको फर्दर कैंसिल किया और ये 42% आ जाएगा, ठीक है। 50 के टेबल से 2 × 100 हो गया, 21 × 2 इज इक्वल टू 42। 1/5 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी, ये फर्दर कैंसिल किया हमने, 5 के टेबल से 5 × 2 = 10, ठीक है, और 0 वैसे 20%,
ठीक है जी। ये आप फर्दर देख सकते हैं 720 मल्टीप्लाई 100 किया, 9/10 को 100 से किया, कैंसिल किया तो आपके पास आंसर आ गया। ठीक है जी, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।